कैसे बैठी हुई है, कह रही आओ दोनों टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि इसके बाद तो हम लोगों ने इनका खाना बन जाना है। की शर्ट जो कि मैं लेकर आई थी लंडा बाजार से पूरे 200 रुपए की। मिट्टी का है है ना, उसके गोबर का बना हुआ है, गोबर का बना हुआ है। हे एवरीवन, दिस इज मी निम्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो बहुत ही खूबसूरत सुबह थी, तो मैंने सोचा कि अपने व्लॉग का आगाज इस खूबसूरत सी सुबह से करते हैं क्योंकि परिंदे चहचहा रहे हैं, पत्ते हिलहिला रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाते हैं। खैर मैं इंट्रो दे रही हूँ और बड़ा अच्छा मौसम है, तो सामने एक नदी बह रही है, मैंने सोचा कि आपको वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं तैयार होऊंगी। मेरे ख्याल से धुआं है, पता नहीं मट्टी है कि फॉग है, पता नहीं क्या है। तो आप भी समझ सकते हैं अंदर जो उन्होंने जानवर रखे हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। फिर जब सब उठ जाएंगे, लाइट आ जाएगी क्योंकि लाइट गई हुई है, तो कपड़े प्रेस करेंगे, तैयार हो जाएंगे करके मौत को वापस आ सकते हैं, करके मैं तैयार होकर दिखाऊंगी मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। ये देखें इन दोनों को कैसे बैठी हुई हैं, कह रही आओ दोनों टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि इसके बाद तो हम लोगों ने इनका खाना बन जाना है। ये कह रही है हाय मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, वो कह रहा है आओ तुम भी हमारे साथ आओ, कह रहा है नहीं मैं जा रही हूँ कि तुमने इसके साथ घूमना, तो कट्टी कुकड़ू कुड़ू कुड़ू पत्तों के पीछे क्यों छुपी हो, लैला लैला ओ नैना नैना ओ मजनू मजनू काले मजनू इधर आओ ना, इतने सुकून से सो रही है। कुकड़ू कुड़ू कुड़ू उठा, गालियां दे रही है अंदर मुझे, चलो मियाँ जी के पास जाओ, मियाँ जी उधर रूलर है, खुद खुद सो रही हो सुकून से, मियाँ की नींद आराम कर। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मैंने पहनी है पिंक कलर की शर्ट जो कि मैं लेकर आई थी लंडा बाजार से पूरे 200 रुपए की, और उसके साथ मैंने पहनी है ये पैंट जो कि पूरे 4000 की पहनी है, कुछ भी नहीं पहना नजर आ रहा है ना, ये इधर इसको पकड़ो सकते हैं मुंह इस कैमरे को, मेरी वजह से सिगरेट गिर गई किसी और की, तो राती यार ठीक है मोबाइल पकड़, ये मैंने पहनी है ये वाली पैंट, ये शर्ट मैंने 200 रुपए की, ओबे कोई मत तो सीधा कर, ये शर्ट मैंने ली थी 200 रुपए की लिबर्टी लंडा बाजार से, 280 रुपए की ली थी जी हाँ, और ये पेंट मैंने ली थी, और ये पेंट मैंने ली थी 50 की, 4000 की दी है, 50 की 30 रुपए की, 4000 रुपए की ली थी, पूरी आउटफिटर्स थे। तो आपने देखा कैसे मैंने लंडे और एक ब्रांड को मिक्स करके एक अपना ब्रांड बनाया है, निम्रा ब्रांड, और मैं बड़ी प्यारी लगी हूँ। अब हमारा नाश्ता जो है वो लग चुका है, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं, इसकी वजह से लेट है 4 घंटे। अब तू जा रहे, तू जा, मैंने नहीं जा, अरे तू जा रही। अच्छा तो हमारा नाश्ता लग चुका है क्योंकि हम लोगों की 9 बजे की टाइमिंग थी, तो वी आर गेटिंग लेट आगे जाने के लिए, तो अब नाश्ता करेंगे, फिर नाश्ते के बाद हम जहाँ भी जाएंगे हम आपको बताएंगे। हाँ ये बड़ी प्यारी बच्ची है, से हेलो गुमसुम है, तो चलाएं नाश्ता करते हैं और आपको दिखाते हैं कि नाश्ते में हम क्या खा रहे हैं, खाना गंदा पराठे है लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। ये है आलू की भुजिया, ये है अंडा ऑमलेट, ये है पराठा, ये है खाली कप, ये है मसाले की डिब्बी, ये है टेबल, ये मैं हूँ, मेरे साथ शाहिद भाई हैं, और हम नाश्ता कर रहे हैं। तो हम सब हो चुके हैं तैयार, मैंने बाल बांधने क्योंकि क्या था ये तराश, क्या था ये चिल्लास में थोड़ी सी गर्मी थी तो बाल बांधने ही बेहतर थे, तो अब वहाँ पे जाके जब मैं कोई तस्वीरें लूँगी तो मैं, हाय अल्लाह मेरी चेन को क्या दौरा पड़ गया, हाँ तो वहाँ पे जाके मैं ले लूँगी, यहाँ पर मैं आई हूँ वेदर चेंज हुआ दाना निकला है। खैर हम लोगों की गढ़ भी तैयार है, सब जो है वो सामान उधर रखने वाले हैं, सॉरी रखने नहीं वाले हैं, सामान रखेंगे फिर हम उसके अंदर बैठेंगे और चले जाएंगे। इस बंदे ने 24 घंटे ड्राइविंग किया है, सैल्यूट और सैल्यूट टू हिम। अच्छा ये हमारी गाड़ी है ठीक है, और शाहिद भाई जो हैं, ये शाहिद ही है, यासिन है, यासिन आपने शर्ट नहीं चेंज की अभी तक, शर्ट नहीं चेंज की,
दफा आ जाए इकट्ठी हो। हम लोगों ने ऐसे सेम कलर की शर्ट खरीदी थी मैंने शाहिद भाई के सेम दिन पहने के, लेकिन उन्होंने भी नहीं पहनी और इन्होंने भी नहीं पहनी, बकरी बकरी पहन के आ जाते हैं हर दफा। खैर सामान अंदर जाएगा और फिर हम लोग जो है वो निकल जाएंगे। पहले ही और हम लोग पहले जाके सीट ले लेते हैं। ओए ठंडी हुई है गाड़ी यार, मस्त चिल। इसलिए तुम अंदर चल लगता हो। अब हम लोग जो कहाँ जा रहे हैं, हमें अपडेट देंगे हमारे छोटे खबरी सॉरी मोटे खबरी शाहिद चकर जी। शाहिद भाई हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं तो जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ओए कुमराटी ओए कराटा भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी सबसे पहले जाएंगे थ्री जंक्शन पॉइंट, ठीक है? थ्री जंक्शन पॉइंट वहाँ से हम जाएंगे हुंजा। आगे आगे फिर हुंजा जाएंगे आगे बस इसके हुंजा में होगा, उसके फिर सुबह देखेंगे। चलो आज का जो दिन है वो हम लोग जाएंगे थ्री जंक्शन पॉइंट, देन वी गो फॉर हुंजा करीमाबाद बाजार। करीमाबाद बाजार ठीक है, मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी जहाँ समझा रहे हैं ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, नूर इधर बैठ गई है सारा रास्ता ब्लॉक करने के लिए। चलो फिर भी मैं आपको किसी ना किसी तरीके से दिखा देती हूँ। नूर का मुँह ऐसे ऐसे करके साइड करके रुक अभी करते नांगा पर्वत का। ये मेरे पीछे नांगा पर्वत है, पहाड़ों ने पर्वत है नंगा। पहाड़ों ने इसको कपड़े पहनाए हैं, अभी जैसे ये पहाड़ हटेगा ये नंगा हो जाएगा और आपको इसकी हकीकत पता चल जाएगी। तो इतने सारे पहाड़ है मेरे, एक में मैं इधर सेंटर एक जगह है ऐसे करके इधर घूमती हूँ, आपको सारे पहाड़ नजर आएंगे। ठीक है ठीक है, समझ के देखो आओ साथ घूमते इधर। आप अब हम लोग आ चुके हैं थ्री माउंटेन जंक्शन पे, जहाँ तीन पहाड़ आपस में लड़ रहे हैं, लड़ लड़ के मर गए, टूट रहे हैं, ना हिल रहे हैं, ना कुछ हो रहे हैं। खैर वो पहाड़ है और वो पहाड़ खड़े हुए हैं। हाँ चुप करके खड़े हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ ठीक है। और वो हम लोग जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था, वहाँ से मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, अब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाऊंगी। अच्छा ये है थ्री माउंटेन जंक्शन, ये तीन कोने जो है, ये तीन कोने और ये वो सारे पहाड़ है। कोई हिस्ट्री कोई स्टोरी कुछ नहीं है, बस थ्री माउंटेन जंक्शन। यस वो तो दिखाओ, वाओ वाओ इधर भी जा सकते हैं हम, तो हम जाएंगे ये नीचे देखें। कुमराटी इसकी कोई स्टोरी तो बताओ, क्यों है ये थ्री माउंटेन जंक्शन? इसके मतलब इसमें पहाड़ है जो तीन सितर बसे सारे रास्ते से पहाड़ी देखते हैं। ये कौन कौन से माउंटेन लड़ रहे हैं? तीन डिफरेंट माउंटेन जो है वो आपस नहीं ऑपोजिट साइड पे है, ये हिमालय है, ये कराक्रम है और तीसरा वो कराक्रम है, ये कराक्रम है वो हिमालय है, ये हिमालय है और पता नहीं कौन सा हिंदू कश, हिंदू कश है वो। तीन तीन इकट्ठे पहाड़ ब्यूटीफुल। उधर से दिखाओ और नीचे से दिखाते हैं एक मिनट। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि नीचे पत्थरों पे बड़ा प्यारा सा एक सीन बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दिखा दो क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है और वो बड़ी अच्छी जगह, हम वहाँ पे जाके पिक्चर्स भी लेंगे और साथ ही साथ एक दरिया जा रहा है, खाने भी खाएंगे। दरियाए सिंध, दरियाए सिंध जा रहा है, वहाँ पे आपको दिखाते हैं, बस यही कर सकते हैं। मेरा मुंह बड़ा आ रहा है उसको प्लीज इग्नोर करें। और ये है दरियाए सिंध, देखने में तो बड़ा ऐसा लग रहा है ना, आराम सुकून से पानी जा रहा है, लेकिन आराम सुकून से नहीं जा रहा, ये बिल्कुल ऐसे शरारा 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 जा रहा है। और वो देखे बिल्कुल छोटा सा घर, और ये देखे कहाँ गया, लेट्स गो। और ये देखे ये है वो जगह, मतलब तीनों पहाड़ों के सेंटर में ना उन्होंने एक प्लेस बनाई हुई है,
कितनी पीसफुल प्लेस है, ओ माय गॉड। और पता नहीं ऐसे लोग यहाँ पे क्या करने आए, ऐसे लोग खाने आए हैं। और मैं उस पहाड़ के पीक पे जाती हूँ और फिर वहाँ पे तस्वीर खिंचवाती हूँ और कितनी प्यारी आएगी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और फिर जब आप नीचे गिर जाएंगी तो मुझे ऐसे मेरा दिल कर रहा है शाहरुख खान का पोज करने का ना, ऐसे करके ऐसे करती हूँ मेरी वीडियो। काजल ओए इधर ऐसे आवाज, काजल आई लव यू। निम्रा मैं YouTube चैनल है निम्रा ने ये नाम से, जो जो मुझे सुन के मेरा चैनल सब्सक्राइब असिया तेरे दीवा मेरा चैनल। निम्रा इधर खड़ी हो यार, वीडियो बनाओ। बाग चाइना पापड़ी टनल, पापड़ी टनल अल्टरफोर्ड। मैं सारे रस्ते सोकर आई हूँ और मुझे आ गया सुसु, तो हम पहले करेंगे सुसु क्योंकि सुसु की जगह भी बस अल्टरफोर्ड में ही है। तो 300 रुपए वॉशिंग के भरे जा रहे हैं अल्टरफोर्ड के लिए। खैर आप लोगों को दिखाना भी तो है अल्टरफोर्ड, तो अल्टरफोर्ड आपको अंदर से दिखाऊंगी। पहले चलते हैं अल्टरफोर्ड। अमरूद के पता नहीं क्या, सेब सेब लगे। आप ये बच्ची को पीछे छोड़ के आई है, बस्सी ये बहुत बस्सी को ग्लोव की पड़ी हुई थी। क्या खा रहे हो खेलो खेलो? ओ हौसला, चलो स्टार्ट। लाहौर में इतने महंगे सेब, इतने महंगे सेब थे। यासिर और जो है वो ड्राइविंग करते हैं ताकि उनको सेब का जूस मिले, लेकिन यहाँ पर तो फ्री के सेब लगे हैं। मैं एक तोड़ती हूँ, मैं तोड़ दूँ। मैं बचपन में ना स्कूल में शतरूज का दख्त लगा था। इसको देखो यार, क्या मैं इतनी अच्छा गजब बेइज्जती है। मुझे भी तोड़ दे। ये ले मैं ना जाती हूँ, आप खा ले पहले। आपको पकड़ो, सही कह रही हूँ। ब्यूटीफुल इयर रिंग्स, यू कैन मेड पेंडेंट विद चेक। चलो अब मैंने ली है, मैं सोच रही थी कि 300 रुपए की टिकट मिलेगी, लेकिन 300 रुपए की नहीं मिली, पूरे 600 रुपए की हमने ली है। कोई जा ही नहीं रहा था, फिर मैंने अपना दिल बड़ा किया, सबसे पहले मैंने टिकट ली, फिर सबने अपने अपने पैसों की टिकट ली। ये है फोर्ट की एंट्रेंस, अब यहाँ से एंट्रेंस होंगे और आपको ये सारा किला दिखाएंगे। पीछे से नहीं आगे से पता। अब इस किले में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन वहीं से दुकानें और चेरी के दरख्त नजर आ रहे हैं तो देखेंगे। ये कौन सा दरख्त है? ये खुरमानी है। खुरमानी है। लाहौर में हम जितने भी फ्रूट्स खाते हैं वो मुझे लगता है इसी आइलैंड कह रही हूँ, इसी फोर्ट से जाते हैं। यहाँ पर चेरी, खुबानी, अंगूर, अमरूद, चेरी, सेब, हर फ्रूट है। अखरोट आगे चलते हैं, अखरोट भी है हाँ, लेकिन अखरोट का सीजन नहीं है। तो यहाँ से फोर्ट का शुरू होता है, ये एक दरवाजा है, ठीक है। साथ साथ अंकल स्टोरी सुनाते रहेंगे और हम आपको दिखाते रहेंगे। और मुझे भी दिखा दें। लेट्स गो ट्रैवल एंड टूर्स। अरे एक लाइट मेरे मुंह पे कोई मार दे तो मैं कितनी प्यारी लगूंगी। ऐसे तुम बस लग तो रही है ना यार, ये बहुत अंधेरा है, मैं सांस यार भाई मैं थक गई हूँ। ताज़ा गोबर का बना।
कुछ भी नहीं, वो जो उपले नहीं होते जिससे उपले बनाते हैं। सो प्रीटी बात। बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। जब जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ से तो इतना खूबसूरत नजारा आ रहा था ना, यहाँ पर भी इतने प्यारे घर हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं मुझे लगता है मेरी ही हाइट दुनिया में सबसे छोटी है, लेकिन मुझे आज यकीन हो गया कि पहले जमाने के लोगों में से मैं हूँ, क्योंकि उनकी भी हाइट छोटी थी। एहतराम के लिए उन्होंने बनाया है, छोटे तक झुक के जाए अंदर। चलो झुकेगा नहीं साला आपको। मैं मुझे लगता है पुष्पा नहीं रिलीज हुई थी। मार दे। ओए इतने छोटे कमरे में कौन रहता है? दिस कितना पिद्दू है यार, बहुत छोटा है ये। अभी मैं वाइड एंगल में दिखा रही हूँ तो शायद बड़ा लग रहा है, लेकिन इट इज टू स्मॉल। और इसमें से नूर तुम इसमें से निकल सकती हो? नहीं, मैं तो सुनी वही मैं कहूँ क्या ये गटर तो ये इधर इतने सारे चीजें अंदर दिखाओ ना। आए मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मुझे खुद नहीं पता। ये उस दौर की तस्वीरें हैं। किस दौर की तस्वीरें हैं? उस दौर में भी इतनी एस्थेटिक फोटो कौन लेता होगा यार, कौन था इतना अच्छा फोटोग्राफर? इधर ये क्या है? अच्छा है, वो कह रहे थे कि पहले ये इतना टूट फूट गया था, इसको रेनोवेट किया, दोबारा अच्छे तरीके से बनाया। अच्छी लकड़ी की खिड़की, अच्छी लकड़ी की खिड़की, अच्छी लकड़ी की खिड़की। वाओ, लकड़ी तो यही है। कितने बात सुनिए, किराए पे नहीं देते होंगे? एक आधा बंदा किराए पे नहीं है अगर इतने ब्लॉक। ओए सुमन देखो, सड़क पे लकड़ी की है। हां सड़क, इसके फर्श फर्श कहां पे है? ये बोले चलो इधर दूसरा कमरा, इसी कमरे से दूसरे कमरे का रास्ता है, और ये है दूसरा फर्श अच्छा वाला। यार इसमें कैसे खोलो? एक मिनट खोलो के ना खोलो, ये वीडियो तो बनाएंगे ना। खोलो नहीं खोलूंगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जिन कैसे आ सकते हैं? जिन तो मेरे साथ है। चलो कौन? और चुड़ैल भी साथ है। आओ चलें, 1 2 3 उसको तो गुंडीला वो नहीं होता इंडिया के ड्रामे। खाली कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे भी दिखा दे अम्मी, मेरी इसी दौर की है बेसिकली। मेरी अम्मी ने लकड़ी के जितने भी दरवाजे, तुम अपना थोपड़ा पीस में देती हूँ। तो उसके अंदर घुस के दिखाओ, 5000 देंगे। घुस गई तो इधर रोटी बनाते थे, इतनी पतली नहीं। आगे से जाओ ना, तेज ओए पूरी खड़ी आ जाओ, आप खड़ी आ जाओ, खड़ी आ सकते हो? अगर खड़ी होगी तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, लाइक्स मिलेंगे और सब्सक्राइब मिलेंगे आपको। चलो वापस आ जाओ। अच्छा गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं करेंगे, लाइक करें। नहीं करना, मैं तो नहीं करना। आपको कसम है इस गुफा की, इधर बनाने की भिखारी पहले आ गए हैं। पूछ सकते हैं, हाँ ऐसे देखें। ये वॉशरूम था उनका, ये टॉयलेट तो नहीं है, इसमें फ्लश भी नहीं होता। खोलो ये, खोलो खोलो खोलो, टॉयलेट आता है इसको खोलो तो फिर इधर से नीचे चला जाता था जो भी करना।
किधर से नीचे चला ऐसे अरे ये लोटा ना ये बाबू इसमें नहीं है ना ये वो नहीं है वॉशरूम नहीं है बेटा आजो बट्टा ब्यूटीफुल नजारा बट्टा ब्यूटीफुल नजारा चाइनीज वो भी चाइनीज लोग रह रहे हैं चाइनीज नहीं है वो हुंजी है हुंजी ये अंदरून है इधर का क्या है जैसे हमारे लाहौर का अंदरून है ना वैसे ये अंदरून क्या होता है अंदरून मतलब ओल्ड सिटी ओल्ड जगह जिसको कहते हैं तो ये ओल्ड ही है फोर्ट जब देखे हैं तो ऑब्वियसली जो यहाँ के रहने वाले होंगे वो भी वो देखे वो टमाटर से पा रही है ऊपर टमाटर देखिए प्याज है मिलने जो है हम नीचे जाने लगे हैं ऊपर हम सीधा आ गए थे डायरेक्ट नीचे के कमरे हमने देखे अब नीचे जाके आपको नीचे के कमरे दिखाते हैं अंधेरे में कौन सा सांस बंद होता है बहुत ही कंजेस्टेड है शाहिद भाई है ना ये शाहिद भाई उनके साथ होते थे ये बाबा आदम के जमाने की ये देखो ये चूल्हा मैंने बनाया इसलिए हवा ऊपर चली जाती अपनी जिंदगी से परेशान है तो आप आए उनसा उनसा में आए स्पॉट में इधर से छलांग लगाए नीचे ठंडे ठंडे पानी में मैं गिर चुका हूँ यार मेरी आवाज नहीं गिर रही थी यार की है अबे बस मेरी सच्ची में धक्का दे देना था डंगर इंसान नहीं मिलती आज ये मेरा फैमिली शो है ऐसे नहीं है यार इतने छोटे छोटे कमरे ये लोग कैसे रहते हैं इसको तो मैं ठंडू की बैलेंस झाड़ू से आप करोगे मेरे से कुछ करा रहे करोगे मेरे से कुछ करा रहे हाँ करोगे ये झाड़ू नहीं है ये वो है रिपोर्टर की स्टिक है आई नो एक रुक रुक अबे ये डंडा कैसे हिले बाहर आ जाओ बाहर आके करो तुम चलो भाई द फैक्ट इज निंद्रा पी प्लीज कम आ जाओ शट अप यू हु आर नॉट दी पीपल दिस डंडा इज डजंट और है रिपोर्टर बन जाओ हैरी पॉटर नहीं था वो फैरी वो आती थी ना पता नहीं कौन सा एक था अबे यहाँ पे सजा दी जाती थी चलो देख के जाते हैं हमारे मुझे वो फिल्म याद आ गई आमी जी चुन 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 इधर कहते हैं दफनाया है किसी को ये क्या है चूल्हा आ जाओ इतना गहरा कौन सा चूल्हा मुझे लगता है कुआं है पानी के लिए ना कूलर बनाया इधर दफनाया है किसी को ये हम कहाँ आ गए ये कहाँ आ गए ये कोई इधर से रास्ते है नीचे ये शायद भी अंदर का रास्ता चलो है नीचे का रास्ता आ जाओ ठहर जाओ कितने गरीब मतलब कैसा मतलब अगर मैं तो चाहूँ मैं यहाँ पे घर ले सकती हूँ पत्थरों के घर बने ये तो वहीं पे आ गए जहाँ पे आए थे पहले ध्यान से गिरना चाहिए मैं हीरोइन हूँ अगर मैं यहाँ से गिर गई तो फिर मेरी कब्र इधर बनेगी
पहले लाश मिलेगी तो फिर कब्र भी नहीं। जाते हैं मर जाओ, मेरे इतने सब्सक्राइबर आप छीनना चाहते हैं मेरे से, जैसे मैं बहुत हो जाऊंगी मेरे चैनल में हड़प कर लेना। प्यारी समझ गई। चैनल पासवर्ड बता देना ना मुझे। 0901 जब भी करो तभी बंद। क्या बढ़िया था गुरु। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ला 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 तुम मेरी जिंदगी से निकाले नहीं गए, अब वापस लौट के कभी ना आना। अच्छा। ला 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 इधर नहीं बैठा, इधर घुसिटते घुसिटते बीच में। ये है महाराजे महाराजियों का स्विमिंग पूल, बेशक वो पुराने जमाने के थे लेकिन नहाते तो वो भी नहीं, के लिए बड़ा सा वो है, लेकिन अब इसमें कोई नहीं नहाता, तो पत्ते शत्ते गिर के गंदा शंदा हो गया। तो इसका पानी क्यों नहीं बदलते? पानी नहीं बदलता इसका, हिस्ट्री अभी नहीं बदला जाता। क्या आपने बदलना है तो बताएं। 500 साल पुराना पानी, 500 साल पुराना पानी। और ये है यहाँ का एक खब्बासी कैफे, खब्बासी मतलब खा बसी कैफे। मैं प्रोफेशन से तो ब्लॉगर हूँ लेकिन मुझे लगता है पिछले जन्म में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है पिछले जन्म में मैं मांगने वाली थी एक आंटी है, उनसे देखते हैं कुर्बानी वो लेकर आ रही है बेचारी ऐसे ऐसे करके। देखती है, ये देखिए मैंने चैरी भी मांगी है, मैं देखती हूँ मुझे देती है कि नहीं। आंटी क्या है, ये क्या है? Listen, it says apricot. Apricot. एक दोगे? एक. एक ले लो. Thank you. कितनी प्यारी हो तुम. You are so pretty. कितनी प्यारी थी. I am successful in मांगने में. अब क्योंकि हम लोगों ने सारा कौन सा फोर्ट था ये मैं नाम भूल गई. Altic Fort. Altic Fort जो है सारा घूम लिया, अब जो है वो हम हुंजा के किसी होटल में स्टे करेंगे और वहां पर जाके मैं अपने ब्लॉग को एंड करूंगी, तो चलते हैं होटल। तो फाइनली हम लोग काफी घूमने के बाद आ चुके हैं अपने होटल में, ये है हुंजा लेवेंडर होटल और हमारा रूम नंबर है 103 और यहाँ पे मैं और अम्मी सोएंगे बहुत मजे से, और ये बहुत ही नरम सा बेड है ये देखें। 1 2 3 ठीक है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो सुबह हमें देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तो रात है तो बत्तियाँ ही हैं बस। खैर ये वॉशरूम भी आपको दिखाती हूँ, वॉशरूम तो सबसे ज़रूरी अहम चीज़ होती है, मुझे तो 3 दिन से वॉशरूम ही नहीं आया कि वॉशरूम हमारे घर का नहीं है, तो लेकिन ये अच्छा वॉशरूम है तो हम इधर वॉशरूम भी करेंगे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।